यस एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग. सो आई होप ये जो 3 दिन आपको ब्रेक मिला था, यू हैव यूटिलाइज्ड इट इन अ बेस्ट मैनर, राइट? मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी फॉरवर्डेड मी द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, एंड आई विल बी रीडिंग फॉर द नोट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स. ओके, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज. आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है ये. आपकी बुक में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, चैप्टर नंबर 2. बट इजी चैप्टर है, बहुत सारी इजी इजी चीजें आप इसमें सीखोगे, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आप इसमें सीखोगे. देखिए, सब कुछ न्यू है, ईच एंड एवरीथिंग इज न्यू टू यू. कुछ भी आपको ऑलरेडी नहीं पता है, बट इस बात में वापस एक कॉन्ट्रास्ट है कि सब कुछ आपको ऑलरेडी देखा जाए तो आपके देखने सुनने में आई हुई चीजें, यानी हमें थ्योरेटिकली नहीं पता है कि ये क्या है, बट हमने प्रैक्टिकली उन चीजों को देखा है. प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी कंपनीज, बट हमें नहीं पता कंपनी क्या होती है. प्रैक्टिकली वी आर गोइंग टू द शॉप्स ऑफ मेनी बिजनेसमैन हु आर अ सोल प्रोप्राइटर, बट हमें नहीं पता सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है. हो सकता है हमारे बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हो, बट हमें नहीं पता पार्टनरशिप क्या होता है. तो यहाँ बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जिन चीजों को हम डेली सुनते हैं, फील करते हैं, मे बी हम उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरिटिकल कंसेप्ट यहाँ पे आप करने वाले हैं. हाँ बोलो. सबसे पहले देखते हैं कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा. नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप कंसेप्ट्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या है, और इस फॉर्म ऑफ बिजनेस की क्या क्या लिमिटेशंस है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा. देन आफ्टर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, सिर्फ इसका कंसेप्ट, ये क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट पार्टनरशिप, बड़ा टॉपिक है. पार्टनरशिप का कंसेप्ट, इसके टाइप्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, रजिस्ट्रेशन, डीड एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यानी एक बड़ा टॉपिक आपको कवर करना है. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है ये पढ़ेंगे. कंपनी क्या होता है, कंपनी के फॉर्म्स, कंपनी का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. बिफोर गोइंग विद द चैप्टर, रेज योर हैंड्स, किस किस के फैमिली बिजनेसेस हैं, रेज योर हैंड्स. कुछ बात आपसे करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे. चलिए, वेरी गुड. चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आएगा. 5-6 बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनके फैमिली बिजनेसेस हैं. करण, आप हमें बताइए अपने बिजनेस के बारे में, किस चीज का बिजनेस है, कौन बिजनेस का ओनर है, ये सारी चीजें बताइए. मैम, फर्नीचर का बिजनेस है मैम, और ओनर तो मैम पापा, दादा और ताऊ जी, ऐसे है. पापा, दादा और ताऊ जी तीनों ओनर है. चलिए, तो हमें पता चलेगा आफ्टर 2-3 क्लासेस कि करण का बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है. ओके युगांश, यू टू टेल अस. मैम, रेडीमेड शोरूम है. रेडीमेड शोरूम है. हु इज द ओनर? पापा एंड दादू. पापा एंड दादा बोथ आर द ओनर्स. ओके, यस. लक्ष्य मैम, पाइप फिटिंग्स. पाइप फिटिंग्स. हु इज द ओनर? मैम, पापा एंड ताऊ जी. पापा एंड ताऊ जी बोथ आर द ओनर्स. ओके, यस. शुभांगी सॉरी बेटा, योर वॉइस इज नॉट क्लियरली ऑडिबल टू मी. थोड़ा सा रुक के आपसे बात करेंगे. चलिए, तो अभी हमने सुना कहीं किसी के बिजनेस में पापा, दादा और चाचा जी तीनों चारों सब ओनर है, कहीं सिर्फ पापा और बड़े पापा ओनर है, कहीं अलग सिस्टम चल रहा है. तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे. उससे भी पहले हम बात करते हैं कि बिजनेसेस होते कितने टाइप्स के हैं. हमने लास्ट चैप्टर में बिजनेस का कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया ना, अब हमें डिस्कस करना है बिजनेस कितने फॉर्म के होते हैं. तो देखिए, बिजनेस एंटरप्राइजेस 3 तरीके की होती है. प्राइवेट सेक्टर, आप सब जो बता रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है. आप में से बहुत लोगों के पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज में काम कर रहे होंगे, तो वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है. और कुछ एंटरप्राइजेस ज्वाइंट भी होती है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करता है. तो बिजनेस एंटरप्राइजेस 3 तरीके की, कौन कौन सी? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. देखिए, चैप्टर नंबर 2 के लिए आई विल बी प्रेफरिंग बुक ओनली. हम 1 by 1 एक एक सेंटेंस बुक का पढ़ेंगे, तभी आपको टॉपिक समझ में आ पाएगा. साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, चैप्टर बहुत बड़ा है. अगर आपने कुछ भी पेंडिंग छोड़ा
तो ये चैप्टर आपके लिए बर्डन बन जाएगा, डेली लर्निंग करनी है और डेली नोट्स बनाना है, ठीक है? Have a look what is written over here. Who will read the part? Raise your hands. Who will read? Yes, Karan, start reading. Yes, ma'am. Introduction. A business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business. Every business entity adopts some form of business organization to carry out business activities. Business enterprises may be classified into three broad categories. First, private sector enterprises, public sector enterprises, and third, joint sector enterprises. Okay, very good. Have a look. ये कह रहे हैं हर बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमर्शियल एक्टिविटी में एंगेज है. अब उसको कुछ ना कुछ फॉर्म अडॉप्ट करना पड़ेगा काम शुरू करने के लिए. मैं यहीं पे आपको तीनों लर्न करवा रही हूँ. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, द एंटरप्राइज विच इज ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल. ऐसी एंटरप्राइजेस जिनकी ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है, वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है. एंड द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज अर्निंग प्रॉफिट. वो क्या करती है? प्रॉफिट के लिए काम. जैसे अभी COVID-19 का सीरियस पेशेंट है और अगर कोठारी मेडिकल में उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे, वो तो कहेंगे भैया पैसा है तो ट्रीटमेंट होगा, अदरवाइज ट्रीटमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कोठारी मेडिकल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल होने की वजह से उनका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट. तो बिना प्रॉफिट मोटिव के वो कुछ भी काम नहीं करते. तो रिपीट कीजिए, डेफिनेशन बोल के देखिए. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज द एंटरप्राइज विच इज ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल. एंड द मेन मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट. मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा एंड बिरला कंपनी, विप्रो एक्सेट्रा. चलिए पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या लिखेंगे? द बिजनेस एंटरप्राइज विच इज ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट आर नोन एज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर. जहां गवर्नमेंट की ओनरशिप हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहेंगे. और गवर्नमेंट का मोटिव रहेगा मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर. गवर्नमेंट का क्या मोटिव रहेगा? Maximizing social welfare. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. The business enterprises which are owned, controlled and managed by central and state government are known as public sector enterprises. These enterprises work with main motive of services. जैसे सेल हो गई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LIC etc. All these are public sector enterprises. Main motive क्या होगा? Promoting social welfare or providing services. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस ऐसी जो दोनों मिलके चलाएंगे, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों मिलके चलाएंगे. इन एंटरप्राइजेस में डे टू डे काम प्राइवेट एंटरप्रेन्योर संभालते हैं और गवर्नमेंट करती है कंट्रोल और सुपरविजन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है और उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हेल्प से अपना कंट्रोल करती है. जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, कोचिन रिफाइनरीज हो गई, एक्सेट्रा. चलिए अब आप मुझे बीकानेर का कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज बता दीजिए, कोई गवर्नमेंट एंटरप्राइज बता दीजिए और कोई एक जॉइंट बता दीजिए. जॉइंट शायद आप लोगों को नहीं पता होगा तो आई विल बी टेलिंग यू. आप तो मुझे कोई एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम और एक पब्लिक हॉस्पिटल का नाम बता सकते हैं? रेज योर हैंड्स, बी क्विक. ओके, यस जानवी विल टेल द आंसर. यस जानवी. मैम प्राइवेट सेक्टर आयुष्मान हॉस्पिटल एंड पब्लिक सेक्टर PBM. यस, प्राइवेट सेक्टर आयुष्मान हॉस्पिटल एंड पब्लिक सेक्टर PBM. चलिए कोई स्कूल का एग्जांपल दे सकते हैं? योगांश. यस मैम. एनी स्कूल, एनी गवर्नमेंट स्कूल एंड एनी प्राइवेट स्कूल. प्राइवेट स्कूल तो हमारा हो गया, BBS हो गया. और वो गवर्नमेंट स्कूल, वो सादुल वाला. बिल्कुल, BBS और सोफिया सेमी गवर्नमेंट है. ठीक है, सेमी गवर्नमेंट. अभी देखिए, अब आपको जॉइंट नहीं पता होगा. किसी को जॉइंट पता है तो हैंड रेस कीजिए. कोई भी जॉइंट एंटरप्राइज, एनीवन? नो वन. चलिए, बीकानेर में एक हॉस्पिटल है, सुगनी देवी हॉस्पिटल, गोगा गेट के साइड में. वो जॉइंट एंटरप्राइज है. आप अगर एक प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो फीस लगेगी 200 रुपए के आसपास.
सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो फीस लगेगी 5 रुपए। प्राइवेट की सर्विसेज बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट में थोड़ा सा हम कह सकते हैं थोड़ा सा केयरलेस होते हैं ना, केयरलेस डॉक्टर्स नहीं होते, वहां पे मैनेजमेंट थोड़ा सा इम्प्रॉपर होता है। अब तो नहीं होता, हर जगह नहीं होता, बट बेसिकली लोगों का ये व्यू है। वहीं अगर आप सुगनी देवी में जाओगे तो वहां आपको फीस देनी होगी 50 रुपीज, गवर्नमेंट से थोड़ी ज्यादा और प्राइवेट से थोड़ी कम। यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स बैठेंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होंगे, वो प्राइवेट डॉक्टर्स होंगे जिनको गवर्नमेंट हायर करके हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंट करती है। सारा मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर के जैसे होगा और सारी सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग दी जाएगी। बस फीस किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे देखिए, इस चैप्टर में हमें केवल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिटेल में पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर को हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चैप्टर 2 इज रिलेटेड विद ओनली प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। किससे रिलेटेड है? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। 5 नेम्स याद कर लीजिए। सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के। अब भी प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले देखिए सोल प्रोप्राइटर कौन समझा रहा है इसका पढ़ के। इट इज क्वाइट सिंपल, हमारा फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, गिव इट अ ट्राई। और वो सभी बच्चे जो लास्ट क्लास में गए थे और आज की क्लास में है, ठीक है, डोंट मिस एनी क्लास ऑफ बिजनेस स्टडीज। हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आगे से आप एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। ओके, बी रेगुलर इन ऑल द क्लासेस। यस, रीड इट एंड एक्सप्लेन इट, रेज योर हैंड्स फॉर एक्सप्लेनेशन। सोल प्रोप्राइटर अ बिजनेस अर्न मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, क्या मतलब समझ में आया? जो बिजनेस अपन खुद मतलब एक सिंगल जना करता है वो होता है। बिल्कुल, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको मैंने स्टार्ट किया, आई एम द ओनर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आई विल बी टेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑफ माय बिजनेस, आई विल बी एंजॉयिंग द प्रॉफिट ऑफ माय बिजनेस एंड आई विल बी सफरिंग द लॉस ऑफ माय बिजनेस। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसको एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है, बिजनेस को मैनेज भी मैं ही कर रही हूँ और बिजनेस को कंट्रोल भी मैं ही कर रही हूँ, उसको क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या फीचर्स है सोल प्रोप्राइटरशिप के। नंबर 1, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंगल ओनरशिप, यानी इस बिजनेस का फर्स्ट फीचर ये है कि इस बिजनेस का एक ही ओनर होता है, सिंगल ओनरशिप है। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्ड इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। All the capital, capital यानी business में use होने वाला पैसा, all the capital is supplied by the single individual from his own wealth or from borrowed fund. जितना भी पैसा business में लगा है, वो सारा पैसा उसी individual ने supply किया, या तो अपनी खुद की wealth से, अपनी खुद की पैसे, अपना खुद का पैसा लगाया, or he has borrowed money from somewhere. Is it clear to everyone? Second point देखिए जरा, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ये कह रहे हैं फॉर्मेशन यानी स्टार्ट करना, क्लोजर यानी बंद करना। द फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी इजी। मुझे जब इच्छा होगी तब मैं खुद का बिजनेस शुरू कर सकती हूँ, और मुझे लगा नहीं अब बिजनेस नहीं चल सकता तो मैं बंद कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर ओपन किया, ठीक है। अब मैंने पार्लर ओपन किया, 4 महीने चलाया, मुझे लगा नहीं लॉस में जा रही हूँ तो मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने अपने घर पे ट्यूशन सेंटर ओपन किया, बट COVID-19 में मुझे लगा नहीं अच्छे से नहीं चल सकता, मैंने उसको बंद कर दिया। यानी फॉर्म भी मैं अपनी इच्छा से कर सकती हूँ और बंद भी अपनी इच्छा से कर सकती हूँ। सो हाउ विल, व्हाट इज रिटन,
There are no legal formalities required to start and close sole proprietorship firm. अगर आपको प्रोप्राइटरशिप वर्ड याद नहीं हो तो आप यूज कर सकते हैं सोल ट्रेड बिजनेस, ट्रेड TRADE, ट्रेड आप सबको पता है राइट. आगे देखिए, देयर इज नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी इस बिजनेस को गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है. ओनली इन सम केसेस अ लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड, अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजिंग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल. कुछ केसेस में लाइसेंस चाहिए हो सकता है, जैसे मुझे अपनी खुद की मेडिकल शॉप ओपन करनी है, मुझे लाइसेंस चाहिए होगा. मुझे ड्रग शॉप ओपन करनी है, मुझे लाइसेंस चाहिए होगा. तो कुछ स्पेशल केसेस में लाइसेंस की जरूरत है. मुझे स्कूल ओपन करनी है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है. बट बाकी फॉर्म में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं. समझ में आ गया तो थम्स अप देके बताएं, क्योंकि थर्ड पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल राइट, हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, दो फीचर पढ़ लिए, तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है. अच्छा, ये चार्ट क्या कह रहा है, ये देखो डायग्राम क्या कह रहा है. वन मैन आर्मी, एक ही बंदा चला रहा है, डूबना या चलना सब उसी के हाथ में. इस पॉइंट को रीड करते हैं. युगांश बेटा रीड दिस पॉइंट. यस मैम. मैम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, द प्रोप्रेटर इन पर्सनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस. इफ द बिजनेस एसेट आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल बिजनेस लाइबिलिटीज, द प्रोप्रेटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ दिस लाइबिलिटीज. यस, वेरी गुड. हैव अ लुक, क्या कह रहे हैं. आप सोचिए, आई एम द सिंगल ओनर ऑफ माय बिजनेस, तो मेरे बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो वो मेरी वजह से हुआ होगा. एंड इवन इफ माय बिजनेस हैज सफर्ड लॉस, वो लॉस भी किसकी वजह से हुआ, मेरी ही वजह से हुआ. नाउ सपोज मैंने बिजनेस में लॉस कर दिया और आपके 3 लाख रुपीज बाकी पड़े रह गए, मैंने आपको पे बैक नहीं किया, तो ऐसे में ये मेरी पर्सनल लाइबिलिटी है टू पे योर अमाउंट. अगर ये अमाउंट पे करने के लिए मैंने अपने बिजनेस को सेल आउट कर दिया और सेल आउट करके भी आपके अमाउंट नहीं पे कर पाए, तो आप मेरी पर्सनल असेट्स पे क्लेम कर सकते हो. इट मींस फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं. सपोज मैंने आपसे 50 लाख का सामान परचेज किया, ठीक है, मैंने सारा क्रेडिट परचेज किया है 50 लाख का. नाउ आई हैव यूज्ड द प्रोडक्ट और मैंने उसको कन्वर्जन किया, फाइनल गुड में सेल आउट किया और मुझे लॉस हो गया, हैवी लॉस. हैवी लॉस की वजह से मुझे अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा. शट डाउन करके मैंने जो भी असेट सेल आउट की, फैक्ट्री सेल कर दी, सब कुछ सेल कर दिया और आपको पे कर दिया 20,000. अभी भी 30,000 रिमेनिंग, 20 लाख, अभी भी 30 लाख रिमेनिंग है. अब आप आके देखते हो मेरा बहुत बड़ा सा बंगलो बना हुआ है, मेरे पास सारी लग्जरियस चीजें, सब कुछ है. आप क्या करेंगे? आप आएंगे और कहेंगे भैया लॉस आपकी वजह से हुआ है, आप अपनी पर्सनल असेट सेल आउट कीजिए और मुझे अपना पैसा वापस चाहिए. एनी हाउ कैसे देना है ये आप देखिए, मुझे तो बस अपना अमाउंट वापस चाहिए. ये होता है सोल ट्रेडर. इस सिचुएशन को कहते हैं सिचुएशन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वेयर द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन इज नॉट लिमिटेड ओनली अप टू हिज बिजनेस असेट्स. आपकी लाइबिलिटी अपने बिजनेस असेट्स को क्रॉस करके आपके घर तक पहुंच जाएगी. अगर बिजनेस के लॉसेस हो गए और बिजनेस की असेट्स सफिशिएंट नहीं है लाइबिलिटीज पे करने के लिए, तो प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल आउट करना पड़ेगा. आपको अलग से 1 मार्क 2 मार्क में पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द पॉइंट अनलिमिटेड लाइबिलिटी एज अ फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो आप बताएंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेस पर्सनल असेट्स ऑफ प्रोप्राइटर मे ऑल्सो बी यूज्ड टू रीपे द बिजनेस डेट्स. एनीवन एनी क्वेश्चन है, किसी के पास कोई क्वेश्चन? नो, वेल एंड गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट रीड भी आपको करना है, एक्सप्लेन भी आपको करना है. हु विल रीड एंड एक्सप्लेन? टेक द इनिशिएटिव, रेज योर हैंड्स. लक्ष्य पारे, लक्ष्य पारे बेटा अनम्यूट योरसेल्फ.
actually maybe there is some audio problem. Himanshu Modi. Yes, ma'am. Yes, Vita, read the point. Okay, ma'am. Individual risk bearing and profit discipline. In sole proprietor firm, all risk is borne by a... Okay, ma'am. In sole proprietorship firm, all risk is borne by a single individual only. The sole beneficiary or all the rewards in one individual only. If there are loss, he and she alone has to bear them, and then he and she alone bear the risk of business. Okay, beta. Have a look. क्या कह रहे हैं ये? Individual risk bearing and profit recipient. अगर मैं खुद owner हूँ तो सारा risk भी मुझे ही bear करना है और सारा profit भी मुझे ही मिलेगा. सारी reward मेरे हक में आनी है और अगर कोई loss हुआ तो वो loss भी मुझे ही उठाना है. Easy सा था. Next देखिए. One man control. All the control will lie in my hands only. सारा business control मेरे पास है. ओनर भी मैं, मैनेजमेंट भी मैं, जब मुझे इच्छा होगी वैसे काम करूंगी. सम पर्सन्स और मैनेजर्स मे बी एम्प्लॉयड टू हेल्प द ओनर, बट अल्टीमेट कंट्रोल लाइज विद द सोल ट्रेडर हिमसेल्फ. हो सकता है मैं अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसी मैनेजर को अपॉइंट कर लूं जो मुझे हेल्प कर दे, बट अल्टीमेट डिसीजन तो मेरा ही होने वाला है. अल्टीमेटली मेरे बिजनेस में क्या होना है क्या नहीं होना ये मैं खुद डिसाइड करूंगी. नो वन एल्स विल डिसाइड इट. राइट, इजी सा पॉइंट था, समझ में आ गया होगा. आगे देखिए. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट यानी अलग, कानूनी, लीगल का मतलब होता है कानूनी, एंटिटी यानी एग्जिस्टेंस या पहचान. ये कह रहे हैं सोल प्रोप्राइटर्स की कोई अलग लीगल पहचान नहीं होती. लॉ के आईज में अगर हम बात करें तो बिजनेस ओनर और उसका बिजनेस सेम टू सेम है. ठीक है, बिजनेस ओनर और बिजनेस साथ साथ चलते हैं. बिजनेसमैन के अलावा बिजनेस की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है. ये सिर्फ सोल ट्रेडर में होता है. आगे, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. क्योंकि एक ही बंदा ओनर है, उसकी डेथ हो जाती है या वो इनसॉल्वेंट. इनसॉल्वेंट यानी वो डेट पे करने के केपेबल नहीं रहता, या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो ऐसे में बिजनेस पे डायरेक्ट इम्प्लीकेशन पड़ेगी. बिजनेस उसका बंद हो जाएगा और वो बिजनेस नहीं चल पाएगा. तो सोल प्रोप्राइटरशिप की ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि बिजनेस की लाइफ जो है वो लिमिटेड है. बिजनेस की लाइफ कैसी है? लिमिटेड है. ओनर के साथ साथ ही बिजनेस एग्जिस्ट करता है. ठीक है, बिजनेसमैन को कोई भी प्रॉब्लम हुई तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा. स्मॉल साइज, अकेला बंदा है तो बिजनेस का साइज कैसा रहेगा? स्मॉल. बहुत बड़े लेवल पे काम नहीं हो सकता. टोटल मैनेजमेंट में अकेले कर रही हूँ. चलिए, फीचर्स लर्न कीजिए. कुछ सिंपल से पॉइंट. नंबर वन ये, और फिर ये तीन तो बहुत इजी, ये चार, ये तो बहुत आराम से हो जाएंगे. अकेला ओन कर रहा है तो सिंगल ओनरशिप, कंट्रोल सारा उसी के पास होगा, रिस्क भी उसी का, प्रॉफिट भी उसी का, और जब मैं अकेली काम कर रही हूँ तो मैं लिमिटेड लेवल पे काम कर पाऊंगी. ये तो सिंपल से. फिर देखिए, अकेले काम कर रही हूँ, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मेरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल पाएगा. फॉर्मेशन और क्लोजर बहुत इजी है, मेरे बिजनेस की मेरे अलावा कोई पहचान नहीं है. जल्दी से लर्न कर लीजिए, फीचर्स को लर्न कर लीजिए. सिंगल ओनरशिप, easy formation and closure, unlimited liability, individual risk bearing and profit recipient, one man control, no separate legal existence, lack of continuity and small size. Merits की बात करते हैं. Benefits क्या होंगे? Number one, who will explain? जल्दी से बता दीजिए, कौन समझा रहा है? बेटा पार्टिसिपेटिव बनिए, आप रीड करते ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे. कोशिश कीजिए. यस, युगांश विल एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट. यस युगांश. मैम गिव डिसीजन. इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ. ही इज नॉट सपोज्ड टू कंसल्ट एनीवन एंड वेस्ट टाइम.
by quick decision, immediate action can be taken and bring flexibility to the operation. There are no delays and business can quickly adapt itself to the changing environment. मैम ये कह रहे हैं कि अगर जो ओनर है उसके हाथ में सारा बिजनेस है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन भी ले सकता है और कोई डील हो रही है तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, अगर प्रॉफिटेबल है तो वो कर लेगा और लॉस है तो वो खुद मना कर देगा, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या कह रहे हैं कि वो खुद से सारे डिसीजंस लेगा तो डिसीजंस बहुत क्विक हो जाएंगे। आप सोचिए कोई चीज आपको खुद डिसाइड करनी है तो आप एक बार में डिसाइड कर लेंगे और आपको 10 जनों से पूछने की जरूरत है तो टाइम लग जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो खुद का डिसीजन खुद लेता है, किसी से कंसल्ट नहीं करना, किसी से नहीं पूछना, तो क्विकली ही विल बी एबल टू डिसाइड कि बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, वन ऑफ द स्टूडेंट विल रीड और उसके बाद वन ऑफ यू विल एक्सप्लेन। कीर्ति बेटा रीड द पॉइंट, ब्रैकेट में लिख लेना सीक्रेसी, सीक्रेसी। यस कीर्ति। The sole proprietor is not expected to share his secrets with other. There is no legal compulsion for a sole proprietor to publish his accounts. All the decisions are taken by the proprietor, so it becomes easy for him to maintain secrecy and get better competitive strength. Very good, Bitta. Yes, Janvi. मैम उसमें बता रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर को अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है और कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं होगा कि सोल प्रोप्राइटर अपने अकाउंट्स पब्लिश करे और उसको इजी भी रहेगा अपने सीक्रेट मेंटेन करने में और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बेटर होगी। बिल्कुल, वेरी गुड। हैव अ लुक, कॉन्फिडेंशियलिटी। When I am the only owner, मुझे अपने secrets किसी से share ही नहीं करने। मैं अपने business में क्या tricks use करती हूँ, कैसे profit earn करती हूँ। आपने बहुत सारी movies में देखा होगा कि business में कोई ना कोई आपके business secrets leak कर देता है जिसकी वजह से आप number two position पे आ जाते हैं। अगर कोई number one पे होता है उसकी secrets किसी और ने leak कर दिए तो वो number one से number two पे आ जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपने मेन सीक्रेट्स किसी से भी शेयर नहीं करते हैं तो आप कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेंगे और आप नंबर वन पे ही रह सकते हैं, कॉम्पिटिशन में आप आगे निकल सकते हैं, राइट? एक लाइन लिखी हुई है, देयर इज नो लीगल कंपल्शन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स। जनरली कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लीगली कंपल्सरी होता है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे, लेकिन बाकी किसी भी बिजनेस में ऐसा कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। लीगल कंपल्शन नहीं होने की वजह से यहाँ पे सीक्रेसी बनी रहेगी। नंबर थ्री, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव यानी मुझे डायरेक्टली मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे एफर्ट और रिवॉर्ड्स में डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज्यादा मेहनत मैं करूंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे होगा। आप देखिए, आप में से जिन लोगों के पेरेंट्स बिजनेस ओनर है वो छुट्टियां नहीं लेते हैं, वो एकदम रेगुलर रहते हैं, वो इवन फेस्टिवल्स पे भी शॉप्स ओपन करते हैं, अपना 100% देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी ज्यादा मेहनत हम करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें होगा। लेकिन जो सैलरीड एम्प्लॉयज है वो छुट्टी ले लेते होंगे क्योंकि उनको पता है कि एक दिन की सैलरी तो कटेगी, है ना। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट हो भी गया तो भी हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो सोल ट्रेडर का ये बेनिफिट है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। जैसे आप लोगों का डायरेक्ट रिलेशन है ना, जितना ज्यादा एफर्ट करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, तो आप ज्यादा एफर्ट करने के लिए मोटिवेटेड रहोगे। सेम सोल ट्रेडर में, विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स देन प्रॉफिट इंक्रीजेस एंड प्रोप्राइटर गेट्स एक्स्ट्रा इनकम। सो प्रोप्राइटर इज ऑलवेज मोटिवेटेड to work extra to get extra reward. सबको समझ आ गया? Easy सा था? Next देखिए, sense of accomplishment. एक ego satisfaction होगा। हर human being में ego satisfy होना जरूरी है। ego satisfaction का ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर ego आ जाए, इसका मतलब है हमारी खुद के लिए respect increase होना। जैसे suppose एक student है जिसने बिना कोई extra classes किए सिर्फ स्कूल से पढ़ाई करके सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव किया, एंड में अगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया ना तो उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये मेरे एफर्ट्स की वजह से हुआ,
या फिर कभी आप बिना मम्मी की हेल्प के कुकिंग करके देखिए, कुछ आपने खुद बनाया पहली बार तो आपको बहुत पॉजिटिव फीलिंग आएगी, वैसा ही सोल ट्रेडर में होता है। एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होता है खुद के लिए काम करके। बिजनेस का सक्सेस बिजनेसमैन के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो लाता ही है, साथ ही उसके अंदर सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप कर देता है कि यस आई कैन डू दिस, यस आई हैव डन दिस एंड आई एम एबल टू डू दिस, राइट। तो ये भी एक बेनिफिट है। और फिफ्थ बेनिफिट तो आप सबको पता ही है, हमने फीचर्स के सेकेंड पॉइंट में पढ़ा है दैट इट इज क्वाइट इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस, इजीली शुरू कर सकते हैं और इजीली बंद भी कर सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं अकेली बिजनेस कर रही हूँ तो क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी क्योंकि मुझे सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करने, डायरेक्ट इंसेंटिव एज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मीन्स कॉन्फिडेंस रहेगा एंड माय बिजनेस विल बी इजीली स्टार्टेड एंड डिसॉल्व। डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेस कैसे रहेंगे, लिमिटेड। अकेली बिजनेस कर रही हूँ तो मेरे पास जितना पैसा है वो सप्लाई कर दिया, मेरी बोरोइंग कैपेसिटी जितनी है उतना बोरो कर लिया, अब इसके बाद और पैसा नहीं आ सकता। हमेशा एक पर्सन की बोरोइंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, तो ये कह रहे हैं कि लिमिट तक ही वो क्रेडिट रेस कर सकता है जिससे बिजनेस की ग्रोथ का स्कोप कम हो गया। फंड सफिशियंट नहीं होते मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, हम केवल स्मॉल स्केल बिजनेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, यू ऑलरेडी नो, सोल ट्रेडर बीमार हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, यू ऑलरेडी नो, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मुझे लॉस हो गया तो मेरे बिजनेस की पर्सनल असेट्स पे क्लेम किया जा सकता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही है। और फोर्थ, मैं अकेले काम कर रही हूँ तो मैनेजमेंट स्किल्स भी लिमिटेड होंगे, आई कांट बी एन एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी टास्क, राइट। कुछ काम मैं अच्छा से कर ले, हो सकता है मैं अकाउंट्स अच्छे मैनेज कर लेती हूँ तो मुझे मार्केटिंग नहीं आती हो, मार्केटिंग मैनेज कर लेती हूँ तो एम्प्लॉयज के साथ डीलिंग नहीं आती हूँ, तो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स लिमिटेड है, मैं सब काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकती, प्लस मेरे पास लिमिटेड अमाउंट होने की वजह से मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट भी नहीं कर सकती। तो जनरली जो बिजनेस ओनर होता है वो ओवरबर्डन रहता है, काम का बहुत प्रेशर हो जाता है उसके ऊपर क्योंकि वो सिंगल ओनर है। Is it okay to everyone? चलिए अब देखिए आपके लिए टास्क कितना है, 8 points of features, 5 points of merits and 4 points of demerits. आपको इतने points learn करने हैं, यानी total आपको 17 points learn करने हैं, 8 features, 5 merits and 4 demerits. Demerits तो बहुत easy सी है, अकेले काम कर रही हूँ तो limited resource, limited life of business and limited managerial skill. लाइबिलिटी कैसी, अनलिमिटेड, और मैरिट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे ये कुछ केसेस दिए हुए हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे कल। आपको एक प्रॉमिस करना है मुझसे भी और खुद से भी कि आप एनी हाउ इसको लर्न कर लेंगे, ट्रस्ट मी डेली लर्निंग करते रहेंगे, इट विल नॉट बी अ बर्डन फॉर यू। और डेली लर्निंग नहीं की तो फिर ये चैप्टर आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा। मे बी जून फर्स्ट वीक में You will be giving your first pre-term test, जिसमें ये chapter आने वाला है, तो आप इसको साथ के साथ learn करते रहिए। आज की date में notes बना लीजिए और मुझे forward कर दीजिए। Anyone, any doubt? Yes, Karan, you can unmute and speak. मैम, notes किधर से बनाने हैं मैम? बेटा book से, मैं अभी आपको PDF send कर दूंगी। Short notes बनाने हैं, ऐसा नहीं हो कि आप सारा का सारा copy paste कर लो, no. Yes. एकदम शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है? Yes. Okay, बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। आप ये भी कर सकते हैं कि फीचर्स को कॉपी में एक्सप्लेन कर लें, मेरिट्स और डीमेरिट्स के लिए केवल फ्लो चार्ट्स बना लें, जैसा यहाँ पे बना हुआ है ना, ओनली दीज फ्लो चार्ट्स, क्योंकि लैंग्वेज तो आप खुद ही लिखने वाले हैं, ठीक है? ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन, सी यू टुमारो।